दादी बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ पहुँच रही है। अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, बेहतर यही होगा कि तुम फौरन यहाँ चले आओ। हालत वाकई में बहुत खराब है। काकुल तू उन इंसानों में से है जिनसे पत्थरों को भी प्यार हो जाए। दादी की जिंदगी को बचाना है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, काकुल को इस घर में लौटना होगा। तू कब आई? ऋषभ ले आया तुझे? अगर दादी माँ को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। दादी आपने काकुल को आने से रोक दिया, ये अच्छा नहीं किया। अपने आप से आ जाती तो? क्यों आ जाती अपने आप से? जब मैं अपने मायके जाती थी तो तेरे दादाजी मुझे लेने के लिए आते थे, और जब तेरी माँ जाती थी तेरा बाप जाके लेके आता था। काकुल को कौन लेके आएगा? सम्मान, काकुल को गए अभी दो दिन नहीं हुए हैं, घूमना शुरू कर दिया उसने वंशिका के साथ, वो लेके आएगा आपको लगता है? तो तू उसका बड़ा भाई है, समझाता क्यों नहीं है उसको? और अपने माँ बाप को भी समझाओ। लोग कहते हैं कि जब घर में बहू आती है तो लक्ष्मी आई होती है। हाँ लेकिन अब यहाँ तो उल्टा हो गया है, बहू आई है तो घर की लक्ष्मी चली गई है, ऐसा लग रहा है घर के लोगों को। तुझे क्या लगता है? मेरे कुछ भी लगने से क्या होता है दादी? क्यों, तू तो घर का सबसे बड़ा लड़का है। शायद वो अधिकार खो दिया है मैंने। लक्ष्मी इसलिए चली गई कि हमने लक्ष्मी का अपमान किया। बेटी तू एक बात बता, अगर तेरी शादी हुई होती तो? दादी माँ मेरी शादी हो चुकी है। अरे ये कैसी शादी है, न मांग में सिंदूर है न टीका। दादी माँ वो क्रिश्चियन है ना? ओह अच्छा अच्छा, इधर आ बेटी इधर आ, ये तेरी शादी की अंगूठी है। जी। तो फिर पति के घर जाने से पहले तेरे कई अरमान होंगे है ना? भगवान की दया से सब पूरे भी हुए होंगे। अब जरा मेरी बहू के बारे में सोच, उस बेचारे को अपने ससुराल से जाने के दो दिन भी नहीं हुए हैं और हमारे घर वाले उसको बुलाने पे तुले हुए हैं। वो बेचारी तो इस घर में घटी को साक्षी मान कर आई थी और मेरे पोते ने उसको जन्म जन्म का साथ देने के लिए वादे भी किए होंगे। अब तू ही बता उस बेचारी का क्या कसूर है जब मेरे अपने घर वालों का खून पानी हो चुका है। दादी माँ ज्यादा बात करना आपके लिए ठीक नहीं है, आप इतना एक्साइटेड होंगी तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। अरे अच्छा है, बहुत अच्छा होगा अगर मैं मर जाऊं, मुझे भी चैन पड़ेगा और सारे घर वालों को भी चैन पड़ेगा। पापा, पापा काकुल को वापस लाना ही होगा वरना दादी। काकुल अगर घर नहीं आती है तो मेरी मां सत्याग्रह पे बैठी रहेंगी, जान दे देंगी अपनी। काकुल अगर घर आ जाती तो मेरी बीवी की जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा, और मेरा लड़का उसकी तो पूरी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की को अपने घर में ले आया है जिससे वो प्यार नहीं करता। ये लड़की की वजह से तो मेरा घर मेरा बिजनेस सब तबाह हो रहा। अरे मैं हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के सामने, प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो क्या करें, दादी को मरने के लिए छोड़ दें? तो डॉक्टर कौन है तुम या मैं? लाखों रुपए खर्च किए तुम्हें डॉक्टरी पढ़ाने में, शर्म नहीं आती बाप से ऐसे सवाल करते हो? आ गए ये। कमाल का सेल्फ कंट्रोल है इनका, दुनिया यहां की वहां हो जाए लेकिन कुछ महान लोग होते हैं जिनका कंट्रोल कभी नहीं खोता। और लोग हैं ना यहां पर, सेल्फ कंट्रोल खोने के लिए तुम्हारी तरह नहीं है सब लोग। अपनी प्रॉब्लम को पूरे घर की प्रॉब्लम नहीं बनाकर रखा हम लोगों ने, तुम्हारे अपने अलावा कुछ दिखता है तुम्हें? तो फिर कोई फैसला क्यों नहीं लेता ये घर? क्यों नहीं लेता कोई फैसला?
अगर मेरी प्रॉब्लम से इतने दुखी हैं आप लोग तो निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंकते मुझे? घर अपने लोगों को निकालने के लिए नहीं होता सम्मान, और काकुल अब इस घर की हो चुकी है। मैं नहीं जाऊंगा काकुल को लेने, ना तो मेरी मर्जी से ये शादी हुई है और ना ही मैं उसे अपनी मर्जी से बुलाने जाऊंगा। अरे तो नाटक क्यों कर रहे थे तुम उस लड़की से शादी के बाद भी? क्यों गए थे तुम उस होटल में हनीमून मनाने? होटल में? किस होटल की बात कर रहे हो तुम? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये तुम दोनों किस होटल की बात कर रहे थे? हम लोगों से कुछ छिपा रहे हो तुम? ऋषभ मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देते? मैं इन दोनों से उस होटल में मिला था जहां ये लोग अपना हनीमून मनाने गए थे। क्या तू भी उस करतूत में शामिल था? यही दिन देखना बाकी रह गया था जिंदगी में। अरे हमने तो सब कुछ तुम्हारे पीछे लगा दिया, बच्चे बस बच्चे बच्चे, बच्चों को कोई कमी ना हो, दुनिया भर की खुशी। मामा प्लीज आप मेरी पूरी बात सुने। क्या कहोगे तुम? मैं होटल में नहीं मिला था उनसे, मैं पहले उन लोगों से अस्पताल में मिला था। अस्पताल में मिला हूँ जहाँ इनके मंगेतर जान दे रही थी। अस्पताल में जान लेने की कोशिश की थी उसने अपनी। मैं तो वहाँ एक सेमिनार के लिए गया था, क्या मुझे नहीं शॉक लगा? एक तरफ उसके मंगेतर अपनी जान दे रही है और दूसरी तरफ एक अनजान लड़की मुझसे आगे कहती है कि वो हमारे घर की बहू है। हम तो बर्बाद हो जाएंगे उत्तरा। जिसकी बेटी हमारे हमारे बेटे की वजह से जान दे रही है, क्या वो हमें माफ करेगा? वो भी अपनी गलती समझ रहा है, वो तो खुद चाहता है कि वंशिका से। प्लीज ये वक्त सही गलत सोचने का नहीं है, एक बूढ़ी औरत अपनी जान दे रही है, उसका कुछ करेंगे हम लोग? सबको हम समझाएं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। अम्मा पराई लड़की के लिए जान देने को तैयार है लेकिन अपने पोते की खुशियों का जरा भी ख्याल नहीं। बेटी तो मेरी बहुत देखभाल कर रहे हो। मेरा फर्ज है दादी माँ। माँ जी मुझे पता है आप सो नहीं रहे हो, और वैसे भी अगर आप सो भी रहे हो तो आपके जागने का टाइम हो चुका है, चलिए उठिए। सिंथिया आप हमारी माजी पे मत हंसिए। आपको पता है हमारी माजी जब शादी करके इस घर में आई तो 12 साल की थी। अब आई तो थी बहू बनकर, पर घर में हे भगवान इतना बचपना, पूरा दिन बस गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन इनकी जो सास है वो बहुत गुस्सा हो गई, उन्होंने बोल दिया अरे भाई बहू है तो घर में खाना बना के कब खिलाएगी। अब हमारी माजी ने ऐसा खाना बनाया कि अगले 6 महीने तक किसी ने उनको किचन में जाने ही नहीं दिया। वाह क्या खीर बनाई थी हमारी माँ जी ने। मैंने खीर नहीं हलवा बनाया था, और वही हलवा मैं आज आपके लिए बनाकर लाई हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे आपको पसंद है, लीजिए। अच्छा तो तुझे भेज जाए पटाने के लिए? हाँ क्योंकि सबको पता है ना आप मेरी बात तो कभी टाली नहीं सकते, है ना? बेटी तू हलवा खा ले, कौशल्या बहुत अच्छा हलवा बनाती है। दादी माँ मैं अकेले नहीं खाऊंगी, आपके साथ खाऊंगी, दीजिए। नहीं बेटी मैं तो सिर्फ मेरी बहू के हाथ से खाऊंगी। दादी माँ मैं भी तो आपकी बहू हूँ। दादी माँ देखिए मैं आपको दादी माँ बोलती हूँ ना, तो एक तरीके से मैं भी आपकी बहू हुई। मेरी छोटी बहू काकुल। माँ जी ये कैसा बचपना है, देखिए अब आपकी गुड्डे गुड्डियों से खेलने वाली उम्र नहीं रही। हाँ मेरी गुड़िया से तो तुम लोग खेल रहे हो, मैंने बचपना तो तुम लोग कर रहे हो, मैं नहीं। हाँ काकुल। दादी जी आप कैसी हैं? अच्छी हैं। सच हमें भी उनसे बात करनी है। अब
अच्छी भी हो तो इस उम्र में कहाँ अच्छा लगता है। क्यों? बूढ़ा शरीर है और क्या। हमें तो उनकी बहुत याद आती है और आपकी भी। वैसे आप हमें लेने कब आएंगे? अरे आपको पहले बताना चाहिए था ना मुझे। हमने तो आपको पहले ही बता दिया था। हाँ, क्या कहा तुमने काकुल? आप हमसे शिकायत कर रहे हैं ना कि हमने आपको पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन हम तो कब से आपको। अरे काकुल, मैं तुमसे नहीं कह रहा था, मैं किसी और से कह रहा था। शुक्ला जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे फाइल 2 घंटे के अंदर चाहिए, समझे आप? हाँ काकुल, मैं काम में बिजी हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें। लेकिन अब कब आएंगे हमें लेने? काकुल, मैं यहाँ काम में फंसा हुआ हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, बाय। क्या कहा सम्मान ने? वो उन्होंने कहा कि बिजनेस का बहुत सारा काम बाकी है, इसीलिए कुछ और दिन लग जाएंगे उन्हें यहाँ आने में। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ तेरे साथ मुंबई। नहीं दीदी, हाँ, जब तक वो हमें लेने नहीं आते हम कैसे जा सकते हैं, हम तो वचनबद्ध हैं। कोई बात नहीं, हम तेरे जीजू को भेज देंगे। कितने दिन तक यहाँ बैठी रहेगी? वो जाके पूछ के आ जाएंगे कि आखिर। नहीं नहीं दीदी, प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए। अगर जीजू ने उनके सामने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो क्या करें इस प्रॉब्लम का? आप चिंता मत कीजिए दीदी, वो हमें लेने आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं दादी? मरना चाह रही हैं क्या? हाँ, जिस घर में सब लोग मुझे मरा हुआ समझ रहे हो उसमें मैं जी के क्या करूंगी। अम्मा क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही हैं? कौन है जो आपको मरा हुआ समझ रहा है? अमरनाथ, सिर्फ खा के और पी के कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा रहने के लिए प्यार भी चाहिए होता है, और तुम लोगों की आंखों में मेरे लिए कोई मान नहीं बचा। आप भी जानती हैं झूठ है अम्मा, ऐसा कोई नहीं है इस घर में जो आपका मान न रखता हो। तो फिर जो मैंने कहा वो कोई मानता क्यों नहीं? मेरी बहू अपने मायके में बैठी है, उसे जाकर कोई लाता क्यों नहीं? अम्मा, क्योंकि उसे इस घर की बहू कोई नहीं मानता है। तू भी तो मेरे घर में बहू बन के आई थी, याद है तुझे? तेरी इस चौखट पे पैर रखने से पहले मैंने सबसे कितना झगड़ा किया था, याद है? अम्मा, काकुल में और मुझ में बहुत फर्क है। मुझे आप लेकर आई थी इस घर में। मैं जब आपके बेटे के साथ फेरी ले रही थी ना, तो आपका आशीर्वाद था मेरे साथ। लेकिन काकुल को मैं नहीं लेकर आई इस घर में, ना ही मेरा आशीर्वाद ही उसके साथ है। अपने आंचल को इतना झुका मत कर कि काकुल का रिश्ता उसने समान रख सके। दादी, माँ, माँ, उठो, उठो। दादी, क्या कर रही हैं आप? बैठो, बैठो। पापा, ये मैं आपको एक बेटे की हैसियत से नहीं लेकिन डॉक्टर की हैसियत से बता रहा हूं। अगर आप लोगों की जिद और इस घर का माहौल नहीं बदला तो मेडिकल साइंस में तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो ऐसे आदमी को बचा सके जो खुद मरना चाहता हो। और मुझे नहीं लगता कि इस घर में किसी को भी इस बूढ़ी औरत की परवाह है। ऋषभ प्लीज, आप लोग कुछ देर के लिए रूम से बाहर जाइए, इनको जरा आराम करने दीजिए। Let me check her. तुम्हें पता है कल रात में कितना रोई? बहुत मन कर रहा था तुमसे बात करने का, मगर ये सोच के फोन नहीं किया कि मेरी बातें सुन के तुम भी परेशान हो जाओगे।
तुम्हारे दुखों के सामने मेरी परेशानी क्या है? नहीं सम्मान, नहीं, मैं तो फिर भी जो कुछ भी हुआ हम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम तो जैसे फंस गए हो इस शादी में। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीतती है, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, कितना तड़पते हो तुम। अरे बस किसी तरह सांसें ले रहा हूँ अंशिका, वरना राउंड द क्लॉक गॉड, प्लीज याद भी मत दिलाओ मुझे। एक बुरा सपना था शायद। हाँ सम्मान, हाँ, ये एक बहुत बुरा सपना है जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। नो, मेरे घर वालों को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। दादी फास्ट पे बैठी हैं, बस एक ही बात की रट लगाए हुए, काकुल को वापस बुलाओ, काकुल को वापस बुलाओ। और वो ऋषभ भैया है, डॉक्टर बन गए तो 5 साल से किसी को पूछा तक नहीं, और अचानक फैमिली के लिए इतनी चिंता हो गई है कि मुझसे ही सवाल करते हैं। सम्मान तुमने ये अच्छा नहीं किया, सम्मान तुमने वो अच्छा नहीं किया, और मेरे पेरेंट्स गॉड अजीब ही है, निराले हैं इस दुनिया में। अरे अपने अपने खून पर भरोसा नहीं है उन्हें। मां तो फिर भी ठीक है, कम से कम मुझे समझती तो है, लेकिन पापा हमेशा चिल्लाते रहते हैं मुझ पर, यू नो एवरी टाइम। सम्मान क्या तुम मेरे लिए अपनी फैमिली से लड़ पाओगे? सच कहूं अंशिका, मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता था, लेकिन इतना ज्यादा करता था कि शायद मुझे कभी मालूम नहीं पड़ता अगर ये सब नहीं होता। प्रॉमिस वंश, काकुल मेरे घर में अब कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं। तीसरी बॉटल चढ़ा रही है, डिहाइड्रेशन तो नहीं होना चाहिए। तुम्हें कॉफी इतनी पसंद है, लगता है तुम्हारे घर वाले भूल ही गए सुबह से आज एक बार भी। नहीं, एक्चुअली आई पिक्ड अप दिस हैबिट प्रीटी लेट इन लाइफ। इनफैक्ट जब मैं यहाँ रहता था तब तो मुझे कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हाँ, इस घर से दूर हुए हुए काफी वक्त हो चुका है ना। अगर हॉस्टल वगैरह मिलाओ तो 10 years। नहीं, जो भी है, घर कभी छूटता नहीं। ये तुम्हारा कमरा था? Yeah. In fact, ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात है, अभी भी याद आता है। ऐसे लगता है जैसे वो दादी चिल्ला रही है बाहर से, अजवाइन के पराठे बने हुए ऋषभ, चलो आओ खा लो। और तुरंत मैं एकदम हड़बड़ा के घटिया से कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ रहा हूँ, उसको मैं छुपाता हूँ कहीं, भाग रहा हूँ बाहर। I don't believe that. डॉक्टर ऋषभ रोमांटिक नॉवल पढ़ रहे थे? अरे भाई, जब पढ़ा रहे थे आपको अस्पताल में तो पता नहीं चला कि ये डॉक्टर रोमांटिक नॉवल पढ़ के ट्रेन हुआ है? तो अब कहाँ गया वो रोमांस? इधर आओ, बताता हूँ। आओ नजदीक आओ। बता। खड़ी क्या हो, बैठो, झुको जरा, नीचे आओ। अच्छा, रोमांस करेंगे डॉक्टर साहब, और सारी मेहनत उनकी नर्स करे। ये बात भी सही है। तुम बताओ। एक मिनट जी। अरे बड़े, तेरे पापा तुझसे कुछ कह के गए क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ
चले गए, तब से उनका मोबाइल लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, जब से लड़की आई है ना, कुछ ना कुछ भगवान ने कहीं कुछ होना क्या? माँ कुछ नहीं होगा, उन्हें माँ कुछ नहीं होगा, इस तरह की बातें मत करो, हो गई होगी कुछ देर किसी काम से, आ जाएंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। लगता है काकुल के परिवार में सब बिजी हैं, बहुत ही बिजी हैं। लेकिन हमारा भी कोई ड्यूटी बनता है कि नहीं बनता है? वो काकुल की दादी माँ इतनी बीमार हैं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, भगवान लंबी उम्र दे उन्हें, तो आप क्या चाहती हैं, ये हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे यहाँ? ये कहाँ का रिवाज है भाई? रिवाज तो ये है कि दुख में सब लोगों को साथ रहना चाहिए। हम जाएंगे काकुल को लेकर। छोटकी बिटिया, आपसे कोई मिलने आए हैं, आइए। प्रणाम अमरनाथ जी, आप हमारे घर पधारे, सौभाग्य है हमारा। आपका सम्मान और हमारी काकुल एक दूसरे को पसंद किए थे, और ये बात यहाँ सब जानते हैं। हर किसी को मनचाही चीज नहीं मिलती है सम्मान। काकुल आपके घर नहीं जाएगी, ये हमारा फैसला है।